हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल दैट इज नीट यूजी इंटेंट। माय सेल्फ रोहित मालो, मैं आप लोग का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आपको बाइट साइज जो वीडियोस मिलेंगे 10 मिनट के अंदर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपका यहाँ पे रिवाइज करा देंगे, आप सीख लेंगे। यस यस यस, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ग्रेट चैनल आपको 10 मिनट्स के अंदर वो चीज करके दिखा देता है जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आपको क्लियर हो जाता है। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा नाम है रोहित मालो, आई एम योर फिजिक्स टीचर ओवर हियर, 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बिलोंग टू कोटा, आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम IIT रुड़की। ओके, नीट यूजी चैनल एक लार्जेस्ट लर्निंग चैनल प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो आप इसको सब्सक्राइब करो, जरूर कर लें। अगर हम अनअकैडमी के बारे में बात करें बच्चे लोगों, तो लगभग सभी लोग जानते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस वाला जो फीचर है, स्ट्रक्चर कोर्सेज अनलिमिटेड एक्सेस, तो आपको कभी भी रिवाइज करने के लिए काम में मिल सकता है, ये यहाँ पर आपको मिल जाता है। अकेडमी के लर्निंग ऐप के बारे में अगर आपको मैं बताऊँ तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बन चुकी है, आप ये जरूर डाउनलोड कर लें, आपको बहुत फायदा होगा। और यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म जो है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स अभी अभी आपने देखे, उसके लिए आपको मेयर जो फीस है 12 मंथ्स की ओनली 27,000 आफ्टर अप्लाइंग द रोहित 10 कोड, 24 मंथ ओनली 32,400 है। अगर रोहित 10 कोड लगा देते हैं तो 10% का इस पर डिस्काउंट मिलकर फाइनल 32,400। चलिए आज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं दैट इज रिवर प्रॉब्लम्स। जो हमारे रिवर प्रॉब्लम होती हैं जो रिलेटिव मोशन के अंदर होती है, वो कॉन्सेप्ट आज हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। यस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो होता क्या है। असल में एक इंसान जो नदी के अंदर डुबकी लगा देता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो नदी के अंदर तैरना चाहता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहता है, उसके पास कोई ना कोई एक वेलोसिटी होती है जो कि वो रिवर के रेस्पेक्ट में यहाँ पर चल सकता है, यानी कि पानी को पीछे छोड़कर आगे की तरफ, हम बोल आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है, उस वेलोसिटी को BMR कहते हैं। इट इज़ लाइक वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, और वी कैन से विद रेस्पेक्ट टू रिवर वाटर, और इवन विद रेस्पेक्ट टू वाटर, दैट्स इट। ओके, सो VMR इज अ इम्पॉर्टेंट टर्म। वॉट इज VR? VR सिंपली इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, नाउ इफ वी कैन फाइंड दैट VMR इज वॉट, यहाँ पर VM माइनस VR की तरह इसको दिया जा सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर मैं VR को इधर ले जाऊं तो हम बोल सकते हैं कि VMR में VR ऐड करने पर हमको वेलोसिटी ऑफ मैन मिल जाता है। ठीक है, VMR का मतलब एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं, इट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और हमको जो मतलब होता है वो वेलोसिटी ऑफ मैन से होता है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर को एक बार VM माइनस VR लिख दिया जाता है, VR को इधर में ले जाऊंगा तो वेलोसिटी ऑफ मैन मिल जाएगा ना, बिल्कुल सही। तो VMR वेक्टर और VR वेक्टर को जॉइन करने पर मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाती है। इसका एक ट्रेलर देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक हमारे पास रिवर है जो पार करना है, उसको मान लेते हैं किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर उसको रिवर पार करने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन हमको पता है कि सर रिवर फ्लो करेगी तो ये वेक्टर उसमें ऐड हो जाएगा और इसका कोई रिजल्टेंट कोई नया ही डायरेक्शन आएगा। ये बात बिल्कुल सही लग रही है सर, जिधर तैरने की कोशिश करेगा रिवर के फ्लो की वजह से यहाँ पर कहीं और ही पहुँच जाएगा। इतना इजी है कि मान लेते हैं कि ये अपने घर जाना चाह रहा था, लेकिन रिवर जो है वो उसको बहा के किसी और के घर में ले जाएगी, तो किसी और के घर में घुस जाएगा तो पिटाई हो जाएगी, सिंपल सी बात है ना। तो बड़ा ही कॉमेडी यहाँ पर सिचुएशन हो सकती है कि जाना तो मैं उधर चाह रहा था लेकिन सर रिवर की वजह से कहीं और पहुंच गया। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने वेक्टर एडिशन ही किया और एक रिजल्टेंट वेक्टर हमने पैरेललोग्राम लॉ से यहाँ पर पता रखा। चलिए, तो वो आपका एक ट्रेलर हो गया कि मैं VMR और VR को जोड़ते कैसे। अगर हम यहाँ पर रिवर प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन की बात करें, वो मैंने टू डायमेंशन आपको बताया था, टू डायमेंशन का आगे एनालिसिस और आएगा। अगर वन डायमेंशन के बारे में देखें तो एक इंसान सर जो कि एक रुके हुए पानी में, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अगर वो मान लेते हैं किसी 5 मीटर पर सेकेंड से चलता है, तो जब रिवर फ्लो कर रही होगी और वो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में ही जाने की कोशिश कर रहा होगा, और ये मान लेते हैं कि ये 2 मीटर पर सेकेंड से रिवर चल रही है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल सकता है, खुद तैर सकता है पानी के रिलेटिव, लेकिन पानी भी चल रहा है तो सर बिल्कुल सपोर्ट मिलने वाला है पानी का, और इसीलिए वो U+V से इधर की तरफ जाएगा। इसको डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन भी बोलते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्लो इज द डाउनस्ट्रीम। यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो को डाउनस्ट्रीम कहते हैं। अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर बोलें तो वो प्लस यू डायरेक्शन में,
वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर भी डी उसी डायरेक्शन के अंदर है, हम राइट हैंड साइड को पॉजिटिव यहाँ पर मान लेते हैं, तो जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये यूएस भी बन जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर। पी आर के बारे में अगर मैं बात करूँ कि वेलोसिटी ऑफ रिवर, अगर मैं अब उल्टा मान लेता हूँ कि भाई वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर जा रही है लेकिन ये अभी भी उधर जाने की कोशिश कर रहा है, सर ये रिवर के अगेंस्ट जाएगा तो काफ़ी तकलीफ होगी इसको जाने के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो आपकी कम हो जाएगी क्योंकि रिवर के अगेंस्ट है या फिर ये उसके रिवर के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाला जो वी वैक्टर ये प्लस में हो गया और ये जो यू वेक्टर हो गया ये माइनस में हो गया। आप ये देख सकते हैं कि ये प्लस वी और माइनस यू, इनको ऐड ही करना है। अगर इनको हम ऐड कर देंगे तो इसकी जगह पे मैं प्लस वी लिखूंगा, इसकी जगह पे माइनस यू लिखूंगा, तो वो वी माइनस यू हो जाएगा, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। चलिए अब आते हैं हम टू डायमेंशन पे। टू डायमेंशन के अंदर वैक्टर में कैसे सॉल्व किया जाता है वो आप देखिए। मान लेते हैं कि मैंने ये बताया भी था आपको पहले, इधर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इस वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से, इन दोनों के बीच में कोई थीटा एंगल है की वजह से यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज योर रिजल्टेंट, यानी कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर जाते हुए दिख रहा है तो वो इधर जाते हुए दिख रहा है, लेकिन सर जाने की कोशिश किधर कर रहा था, जाने की कोशिश इधर, राइट। अब इसके अंदर आप ये इस थीटा की वजह से कंपोनेंट्स वगैरह ले सकते हो, इधर की तरफ अगर वी एम आर है, इधर की तरफ अगर आपका थीटा है, इधर की तरफ सर आपका वी एम आर कॉस थीटा ले लेते हैं, इधर की तरफ सर वी एम आर साइन थीटा ले लिया जाता है, और इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी भी है हम ऐड कर देंगे, बिल्कुल सही। आप ये देख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ रिवर के अंदर वो ऐड हो चुका है। इस तरह से हम वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं। आपको ये दिख ही रहा है कि सर वाई डायरेक्शन, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो विड्थ है उसको कवर करने के लिए ओनली डी एम आर साइन थीटा काम में आएगा, तो कितने टाइम में ये रिवर को पार कर लेगा, दैट इज टाइम इक्वल टू जो भी डिस्टेंस कवर करनी है अपॉन स्पीड वाई डायरेक्शन, क्योंकि वो जो डी डिस्टेंस है वो केवल वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ही कवर करवा सकता है, दैट इज वी एम आर साइन थीटा। के अंदर कुछ स्पेशल केसेस बन जाते हैं और वो स्पेशल केस ये है कि अगर कोई शॉर्टेस्ट टाइम में यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहता होगा, उसके लिए हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू तब मैक्सिमम हो जाएगी तो टाइम हमारा मिनिमम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को पार करना है शॉर्टेस्ट टाइम में तो वी एम आर को 90 डिग्री पर रखा जाए वी आर से, सर जाएगा तो टेढ़ा लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा वी एम आर इसके अंदर पूरी जो आपकी डी दूरी है उसको कम करने में काम आ रहा है, वीएमआर का कोई कंपोनेंट नहीं, पूरा वीएमआर यहाँ पर काम आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यस सर बिल्कुल सही बात है, जो आपका टाइम लगेगा डी अपॉन वी आर साइन 90 डिग्री ऑब्वियसली वन हो जाता है, यही होगा। तो ये कितना ईजी, आप ये देख सकते हैं ये फॉर्मूला, लोग खामखा ही डरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्रॉसिंग द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ में जाने के लिए आप खुद सोच सकते हैं सर इसको थोड़ा सा टेढ़ा जाना पड़ेगा कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कुछ ऐसा वर्टिकल में आ जाए, यही तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा यहाँ से यहाँ पर, बिल्कुल। तो वी एम आर को किसी और एंगल पर रखना पड़ेगा, आपको थीटा भी मान सकते हैं और भी कुछ और मान सकते हैं, ठीक है, इसमें अल्फा भी मान सकते हैं। तो इधर ये जो वी एम आर कॉस अल्फा है वो हम बोल सकते हैं कि वी आर से बैलेंस कर दिया जाए, या फिर हम बोल सकते हैं कि सर इसका जो एक्स कंपोनेंट हमारा आया था उसको जीरो रख देंगे, इससे कॉस थीटा की वैल्यू आपकी नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि हमने वी आर वैक्टर और वी एम आर के अंदर ये एंगल मान लिया था कि ऑब्वियसली ऑप्टिस होगा, ये ऑप्टिस होने की वजह से हमको ये पता लग जाएगा कि इस डायरेक्शन में जाना। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू माइनस हाफ आ गई, इससे मुझे पता लग जाएगा कि सर इन दोनों 120 डिग्री होगा और ये जो बचा कुचा होगा ये 60 डिग्री होगा, ये मैंने आपको ट्रेलर दे दिया अगर हमको वी एम आर और वी आर दिया ही होगा तो, राइट। चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये एग्जाम्पल आपसे हो सकेगा, और 400 मीटर वाइड दे रखी है, 2 मीटर पर सेकेंड हमको रिवर यानी कि यू दे रखा है या वी आर दे रखा है और वी एम आर भी हमको दिया हुआ है, ये तीनों के तीनों पार्ट्स बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि डी 400 मीटर जो है की तरफ अगर हम शॉर्टेस्ट टाइम के बारे में बात करें तो 10 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन में चला जाएगा, डी अपॉन वी वाई से 40 सेकेंड में वो पार कर लेगा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट बोला जाता है इसको, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, वो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट यहाँ पर किसकी वेलोसिटी से, सर वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से सर ये एक्स में भी जाएगा, ये चीज़ हमको समझ में आ जाएगी। तो स्पीड इनटू टाइम से एक्स का डिस्प्लेसमेंट भी हमको पता लग जाएगा, इवन ये एंगल थीटा भी निकाला जा सकता है कि कौन से डायरेक्शन में जाएगा, सर इधर है 2 इधर है 10, ये वाला जो डायरेक्शन है ये 10 थीटा इज टू 5 करके निकाला जा सकता है। चलिए तो कैसा लगा आपको बताइए, थैंक यू सो मच।